हेलो फ्रेंड्स, बंगाली मिठाई बनाने का रिस्क मैं नहीं लेती। मैंने बहुत बार बनाया है, वो ख़राब हो जाती है। बंगाली मिठाई सवाल ही नहीं पैदा होता घर पर बनाना। ये सब सवाल क्या आपके जहन में भी आते हैं? तो मैं संगीता भटेजा फ्रोलिक स्टेज पे आज आपके लिए लेके आई हूँ बंगाली मिठाई। किसी भी प्रकार की बंगाली मिठाई हो, चाहे आप रसगुल्ला हो, छेना हो, रसमलाई हो, अंगूरी हो या फिर राजभोग हो, किसी भी रेसिपी के लिए हमें प्रॉपर छेना चाहिए होता है। इस छेने को किस तरीके से बनाना है, किन टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है ताकि आप कोई भी बंगाली मिठाई बनाएं वो कभी भी आपकी फेल ना हो, बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनाने के लिए छेना सही होना बहुत ज़रूरी है। आज फ्रोलिक स्टेज पे हम आपके साथ छेने की रेसिपी को ही शेयर कर रहे हैं, जो कि बंगाली मिठाई के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत सही से बना होना ज़रूरी चीज़ है। आप इस टेक्निक्स को फॉलो करते हुए अगर छेना बनाएंगे तो कोई भी बंगाली मिठाई आपके बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। फ्रोलिक स्टेज पे मैंने आपके साथ रसगुल्ले और राजभोग पहले ही शेयर कर दिए हैं, उसमें भी मैंने छेने बनाने की रेसिपी को शेयर किया है, लेकिन ये स्पेशली मैं सिर्फ छेने बनाने पे फोकस कर रही हूँ। आप इसे देखिए, आगे आने वाले टाइम में फिर अंगूरी, चमचम, रसमलाई और भी मिठाइयाँ मैं बंगाली मिठाइयाँ जो रहती हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनाना है छेना, किन बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू। कोई भी बंगाली मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर बनाना पड़ता है। पनीर बनाने के लिए हमें जो बंगाली मिठाई रहती है उसके लिए काऊ मिल्क चाहिए। मेरे पास कमेंट सेक्शन में आया था कि मैं पैकेट वाले दूध से बताऊं, तो आज मैं पैकेट वाले दूध से पनीर बना रही हूं। आप चाहें तो डेयरी वाला दूध लीजिए या फिर पैकेट वाला, थोड़ा सा 19-21 टेस्ट में फ़र्क रहता है। अगर आपको प्योर गाय का दूध वैसे ही मिल जाता है डेयरी वाले से तो वो सबसे बेस्ट रहता है, अगर नहीं मिलता है तो आप पैकेट वाला गाय का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जिस हिसाब से स्वीट्स बनानी है आप उतना दूध ले सकते हैं। आप चाहे 1 लीटर गाय का दूध से मिठाई बनाएं या 1.5 लीटर या 2 लीटर, जो भी बैच आपका रहता है उस हिसाब से आप पनीर बनाएंगे। मैंने 2 लीटर काओ मिल्क लिया है, इसे हम तेज़ गैस पे उबालेंगे। फ्रेंड्स, ये दूध उबल गया है, गैस को हम बंद कर देंगे। जितनी भी बंगाली मिठाई रहती है वो मेनली डिपेंड रहती है हमारे पनीर पे। जो पनीर की क्वालिटी अच्छी होगी तो बंगाली मिठाई जो है वो अच्छी बनेगी। दूध को फाड़ने के लिए आप चाहें तो नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू को काट के इसके रस को निकाल लीजिए, या फिर इस तरह से टाटरी मिलती है मार्केट में, ये टाटरी नींबू का सती है, इसको पानी में डिज़ोल्व करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वाइट वेनेगर। मैं यहाँ आज दूध को वाइट वेनेगर से फाड़ूंगी। इसके लिए जो भी आप नींबू लें या वाइट वेनेगर लें उसमें जितना आप रस लेंगे उतना ही पानी लेंगे। जितना आपने, जैसे मैंने वाइट वेनेगर लिया है उतना ही मैंने इसमें पानी डाल लिया है और गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे और इसे हिलाएंगे। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि दूध पूरी तरह से फट ना जाए। दूध का हमें ध्यान रखना है, दूध जो है वो फुल फैट ही लेना है, यानी कि आपने मलाई निकला हुआ दूध नहीं लेना है, क्योंकि पनीर की क्वालिटी पे ही बंगाली मिठाई डिपेंड करती है। अगर पनीर की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो बंगाली मिठाई जो है वो ख़राब बनेगी, यानी कि या तो वो फट जाएगी या वो हार्ड हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लग रहा है आपको कि पनीर ये पूरी तरह से अलग हो गया है। इस स्टेज पे आपने इसे नहीं छानना है, थोड़ा सा हम इसमें सिट्रिक एसिड या फिर वाइट विनेगर, जिससे भी आप दूध फाड़ रहे हैं उसे और लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। यानी कि जो ये स्टेज आती है जहाँ पानी बिल्कुल अलग हो जाता है, ये स्टेज हमें चाहिए पनीर बनाने के लिए। इससे पहले अगर आप पनीर को छान लेंगे तो वो पनीर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी, ये पनीर की बिल्कुल सही क्वालिटी रहेगी। पानी जो है वो थोड़ा हरा हरा सा हो जाता है। जाली में मलमल का कपड़ा रख के इसको छान लेंगे। ये देखिए पानी जो है वो बिल्कुल अलग है,
ये पनीर की अच्छी क्वालिटी है। इसके बाद तुरंत ही हम इसको खुले पानी में धो लेंगे। इस पनीर को हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से धोना है। आप इसे खुले नलके के पानी के नीचे धो लीजिएगा। स्पून से हिलाते हुए हम इसे धोएंगे। धोने के बाद हम इसे दबा के हल्का हल्का प्रेस करते हुए निचोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, कभी भी बंगाली मिठाई बनाने के लिए आप ये कोशिश नहीं कीजिएगा कि मैंने इसको पूरा अच्छे से निचोड़ लिया और मैं साथ के साथ ही मिठाई बना लूँ। नहीं, कम से कम आधे से एक घंटे के लिए आप इसे हैंग करके रखिए। आप चाहें तो नलके के पास हैंग कर सकते हैं या बर्तन स्टैंड पे आप इसे एक घंटे के लिए हैंग करके रखिए, ताकि जो भी पानी है इसके अंदर वो निकल जाए। इसे एक घंटा हो गया है पनीर को लटकाए हुए और अब ये पूरी तरह से तैयार है। आप ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। बिल्कुल भी पनीर में हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। कम से कम हम इसे एक घंटे तक हैंग करेंगे। कई बार ऐसा होता है, हम पनीर बनाते हैं लेकिन हमें उस वक्त और काम आ जाते हैं और हम उस मिठाई को नहीं बना पाते हैं। उस स्टेज पे आप इसे 2 से 3 घंटे, यानी कि पनीर को हैंग करने के 2 और 3 घंटे के अंदर अंदर आप इस मिठाई को बना लीजिए। जितनी भी बंगाली मिठाई होती है 2 या 3 घंटे के अंदर पनीर बनने के बाद बना ली जाती है। इससे ज़्यादा हमें इस पनीर को नहीं रखना है। इस पनीर को अगर आप तोड़ के देखेंगे तो ये दानेदार लगेगा। इसे में बिल्कुल भी गीलापन नहीं है। दूध से पनीर बनाते समय आपको ध्यान रखना है, आप चाहे विनेगर यूज़ करें, सिट्रिक एसिड या फिर टाटरी या नींबू का रस इसमें पानी मिला कर लें। दूध को उबाल आने दें। उबलने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उसमें आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप इस सॉल्यूशन को डालेंगे। उसके बाद इसे आप हैंग अच्छे से धोने के बाद हैंग करके रखेंगे 1 घंटे तक। कम से कम हमने इसको हैंग करना है। ये देखिए कितना अच्छा पनीर तैयार है। आप कोई भी बंगाली मिठाई बनाइए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितना आसान है बंगाली मिठाई के लिए चने के घर पे बनाना। कुछ टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो सभी प्रकार की बंगाली मिठाइयाँ बहुत ही टेस्टी बनेंगी। आप भी इस टेक्निक्स को फॉलो कीजिए और पनीर को घर पे बनाइए। फ्रोलिक स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।